हेलो भाई, मैं विवेक गुप्ता। तो फाइनली मारुति ने अपनी प्रीमियम एमपीवी एक्सेल रिस्क का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है। आज 22 तारीख और आज मारुति ने फाइनली लॉन्च कर दिया है और बहुत सारे फीचर्स है इसमें। ये है फेसलिफ्ट वाला वर्जन। सामने से आप देख सकते हैं कोई चेंजेस नहीं किया गया, खाली ग्रिल में थोड़ा मतलब छोटा मोटा खाली ग्रिल में माइनर चेंजेस कराया गया है, बाकी और कुछ भी नहीं। लेकिन फीचर्स भाई भर भर के दिए गए हैं गाड़ी में। सनरूफ की बात और 6 एयरबैग्स की बात अगर छोड़ दें, बहुत सारे फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं 7 इंचेस की स्क्रीन नई वाली, और आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स मिली हुई है जो कि काफ़ी सही है। यहाँ पर आपको सारे काम के फीचर्स मिले हुए हैं, TPMS की बात करें, हर चीज़। तो भाई आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा। अभी ये मोस्ट डिटेल्ड वीडियो जो मैं बोल रहा था 21 तारीख को आने वाला है, वो वाला ही वीडियो ये नहीं है। आज मैं सिर्फ अपना मतलब एक्सप्रेशन दिखाऊंगा और क्या क्या फीचर अभी आपको टोटल गाड़ी में मिल रहे हैं ये बताऊंगा। किस किस वेरायटी में क्या मिल रहे हैं ये अभी नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ मैं आज आपको बताऊंगा कि गाड़ी में फाइनल क्या क्या मतलब फाइनली फीचर्स आ रहे हैं, मतलब आ चुके हैं एकदम कन्फर्म फीचर्स। और बाकी पीछे से देखेंगे तो आपको टेल लाइट्स वेड लाइट्स थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया, बाकी सब वही है। तो भाई शुरू करते हैं इस वीडियो को। अभी मैं पूरा नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ आपको, तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भाई ये मेरे पास आ गया पूरा का पूरा इसका लेआउट। अगर फ्रंट से देख लें यार गाड़ी, तो ज़्यादा कुछ चेंज किया नहीं है, खाली ग्रिल चेंज कर दी गई यार, बम्पर तक रीडिजाइन कर देते तो मज़ा ही आ जाता, और कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है। बाकी यहाँ पर एलॉय व्हील नया वाला आ गया है 16 इंचेस वाला बस। बाकी थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं तो यहाँ पर आपका जो ये रहता था ब्लैक पार्ट, इसमें थोड़ा क्रोम एड ऑन कर दिया गया है। अभी मैं ज़्यादा डेप्थ में बात करूँगा नहीं, क्योंकि 22 तारीख वाला इन डेप्थ वीडियो टोटल रिव्यू वीडियो जरूर आएगा। तो यहाँ पर कुछ हो गया इतना। अभी इसमें क्या क्या कन्फर्म फीचर्स है ये मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि हमने प्रेडिक्ट किया था 90-80% हमारा सही हुआ है, 20-30% हमारा गलत हुआ है। तो पूरा देखते हैं कि क्या क्या सही हुआ क्या क्या गलत। अभी देख लें इंटीरियर में, तो बहुत लोग बोलते हैं इसमें 7 सीटर आने वाला है, 7 सीटर आने वाला है, लेकिन नहीं भाई, ऐसा कोई 7 सीटर नहीं आएगा। 6 सीटर अभी भी है, क्योंकि 6 सीटर 7 सीटर अगर आ जाता तो अल्टिका की सिर्फ बहुत डाउन हो जाती है, और ऐसा मारुति को भी नहीं करेगी, कभी भी मारुति ऐसा करेगी नहीं कि अपनी गाड़ी सिर्फ डाउन करे दूसरी गाड़ी अपनी लॉन्च करके। यहाँ पर 6 सीटर की कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, और पीछे आप देख लें टेल लाइट थोड़ा सा मॉडिफाई कराया गया, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर आपको लिप स्पॉयलर एड ऑन किया गया है जो कि आप देख सकते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं किया गया है। ये है लिप स्पॉयलर। और यहाँ पर अगर जो ये आपको ये मिलते हैं रिफ्लेक्टर, अगर भाई रिफ्लेक्टर इसका कहीं भी हो तो मुझे बताओ यार, मुझे पर्सनली ये रिफ्लेक्टर लगवाना है और कहीं भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में आया ही नहीं इसका रिफ्लेक्टर। बहुत मस्त लगता है लाइट वाला रिफ्लेक्टर। और कुछ भी चेंज नहीं किया गया। अगर इसका हेडलाइट देख लें तो आप देख सकते हैं सेम ऐसी है पुरानी की तरह। यहाँ पर आपको नई ग्रिल मिली हुई है, और यहाँ पर आपको अगर अंदर से देख लें तो अंदर से आपको नया टच स्क्रीन मिला हुआ है। 7 इंचेस का है भाई, कोई बड़ा साइज नहीं है, 7 इंचेस वाला ही है। बाकी और कुछ देख लें तो थोड़ा नीचे जाते हैं, तो अगर आपको इसमें देखा जाए तो ज़्यादा कुछ नहीं, आपको 7 इंचेस वाला ये स्क्रीन है। और एसी देखें तो एसी का आपका कंट्रोल वंट्रोल सब सेम है, डिट टू सेम है, बस खाली लाइटिंग का फ़र्क है। इस बार येलो कर दिया गया, पहले और ऑरेंज था बस, और कुछ भी नहीं ज़्यादा चेंज है। उसके बाद में और देखा जाए इन डेप्थ में, तो फिर आपको नीचे देख ले तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल गया, बाकी और कुछ भी नहीं। वहाँ पर सेंटर में वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिला है, और कुछ भी नहीं। अगर सीट्स बात करें तो सीट्स भाई कोई ब्लू कलर नहीं है, खाली एक दिखाने के लिए था। बाकी कलर आपको वही लेदर वाला मिला हुआ है, ब्लैक कलर का लेदर अपलॉजिस्ट मिला हुआ है, जो कि सही है। अभी इसमें सनरूफ और 6 ईयर सनरूफ छोड़िए, बाकी सारे काम के फीचर्स हैं। बीच में आपको कैमरा सीट मिल गई जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। बाकी अगर साइड प्रोफाइल देखने तो काफ़ी अच्छा है। इसमें 360 डिग्री आपको कैमरा मिला हुआ है, जिसका मतलब ठीक ठाक ही है, कोई इतना अच्छा भी नहीं है, कोई इतना बेकार भी नहीं है, ठीक ठाक ही है, मतलब थोड़ा नकली सा लगता है। बाकी देख लें आपको सुजुकी कनेक्ट मिलने वाला है। बेस मॉडल से आप पूरी गाड़ी अपनी फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सही सा है, काफ़ी कन्वीनियंस सा फीचर है। अगर आप थोड़ा बाहर हो, आपको एसी ऑन कर दूँ, आप 10 मिनट बाद पहुंचने वाले हो अपनी गाड़ी पे, ऑन कर दीजिए, गाड़ी एकदम ठंडी हो जाएगी, चिल हो जाएगी, आप पहुंचे आराम से बैठे, मतलब गर्मी में ना ये फीचर काफ़ी कामदायक होता है। मैं तो कहूँगा बेस मॉडल से क्या हर एक गाड़ी में ये फीचर देना चाहिए, एसी मतलब फ़ोन से ऑन करने वाला, चाहे कोई फीचर दो चाहे ना दो, लेकिन ये फीचर ज़रूर देना चाहिए। गर्मी में बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी सा फीचर रहता है, मज़ा आ जाता है कुल मिला के ये फीचर। बाकी और देखा जाए तो आपको गाड़ी का अगर इन डेप्थ में देखा जाए, थोड़ा सा डिटेल में गाड़ी का देखते हैं, ज़्यादा कुछ चेंज ही नहीं किया गया यार, मतलब साइड प्रोफाइल से भी सेम ऐसे ही है। एलॉय व्हील अगर पुराना, मतलब मैं तो यही करूँगा, अब लगता है मैं सारे के सारे फीचर्स में ना इसमें डलवाऊँगा, उसके बाद में एलॉय व्हील भी बड़ा वाला लगवा लेंगे, 360 डिग्री कैमरा लगवा लेंगे, स्क्रीन नया लगवा लेंगे, वेंटिलेटेड सीट्स भी देखेंगे अगर लग जाएगा। MID देखें तो आपको वही थोड़ा बहुत चेंज करा गया, मतलब नया वाला बलेनो वाला MID आ लिया गया, और कुछ भी नहीं। यहाँ पर 7 इंचेस की स्क्रीन, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आएगी। और अगर देखें इसके इंजन, तो इसमें आपको इंजन जो मिलता है वो है 1.5 लीटर का
VVT डुअल जेट का इंजन जो कि सेम टॉर्क सेम पावर सब कुछ सेम जनरेट करने वाला है, जो कि यार थोड़ा पावर और करते तो मज़ा आ जाता। सेफ्टी फीचर में देखा जाए इसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलेंगे यार, ये ऐसी बात हुई। अगर कोई भी गाड़ी लेने की सोच रहा है यार तो अक्टूबर के बाद लो, क्योंकि अक्टूबर के बाद ना 6 एयरबैग्स मैंडेटरी हो जाएगा। अगर इस समय XL6 लेने की सोच रहे हो तो रुक जाओ यार, अक्टूबर के बाद लो, 6 एयरबैग्स आपको अक्टूबर के बाद से मिलने लेंगे, मैंडेटरी हो जाएगा सेफ्टी नॉर्म्स के थ्रू। तो यार मैं तो कहूँगा वेट कर लो, 6 एयरबैग वाला ही वेरियंट आप लो। बाकी और थोड़ा देखा जाए तो ABS प्लस EBD आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ब्रेकिंग में। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम हेयरटेक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ, हैंड होल्ड मिल जाता है, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है, जो कि आपको 5 स्पीड मिलता है मैनुअल में। अगर मैनुअल में भी 6 स्पीड मिला मज़ा ही आएगा, पैडल शिफ्टर मिलता है और कुछ देखें लुक तो ऐसा ओवरऑल आता है। बहुत लोग बोलते हैं सनरूफ आएगी, कोई सनरूफ नहीं है भाई। आप देखें अगर इसके कलर ऑप्शंस, तो कलर ऑप्शंस आपको कुछ इतने मिल जाते हैं। अभी देखो कलर ऑप्शंस तो वही सब पुरानी है, खाली नाम चेंज कर दिया गया। अभी इसमें जो डुअल टोन कलर है, इसमें एक चीज़ मुझे खटक रही है यार, वाइट में डुअल टोन का जो मज़ा आता है वो किसी में नहीं आता है। मे बी आप फ्यूचर में अपडेट करूँ और वाइट में डुअल टोन ले आओ, बहुत मस्त सेल होगी और बहुत मस्त देखने में लगता है वाइट में डुअल टोन। और देखिए अगर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में आपको मिल जाता है, इसके नीचे थोड़ा आएंगे वेरिएंट्स और सारे फीचर्स ये सब। अब देखो ये सब का इन डेप्थ में वीडियो हम अभी बात नहीं करेंगे, इन सब का बात हम करेंगे अलग अलग जब वेरिएंट्स देखेंगे वर्चुअली जाके। मतलब अभी तो ये आर्टिफिशियली देख रहे हैं, अभी ये फ़ोन पे देख रहे हैं, जब जाकर वहाँ पे देखेंगे तब मैं और अच्छे से आपको लोग को समझा पाऊँगा, दिखा पाऊँगा। अभी तो खाली एक मोटा मोटा सा हो गया कि जो जो फीचर्स कन्फर्म थे वो आपको बता देना ज़रूरी था। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे के सारे वो सब लिखा हुआ है। बाकी टायर प्रोफाइल अगर देखूँ तो 195/60R16 आ रहा है, टायर प्रोफाइल इम्प्रूव करी गई है। मे बी अब ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको कंफर्टेबल रहेगा गाड़ी, 16 inches का अलॉय दे ही दिया गया। बाकी सारी ये सब फीचर उचर दिए हुए हैं, सुजुकी कनेक्ट वनेक्ट ये सब हो गया, तो भाई ये सब के भी बारे में बात करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन अलग अलग पर्टिकुलर वेरियंट को। अभी कल आपको अल्फ़ा प्लस का दिखाऊंगा, अभी 3 वेरिएंट इसमें आया है, अल्फ़ा प्लस भी आया है। मे बी मैंने बोला था कि 70-80% मेरा सही जाएगा, 10-20% गलत जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस आ गया। अब इसका एक फ़ायदा भी है नुकसान भी है, जो लोग पहले अल्फ़ा लेते थे उनको यार टॉप मॉडल मिलता था, सारे फीचर्स मिलते थे, लेकिन अब उनको अल्फ़ा प्लस लेना पड़ेगा, अल्फ़ा उनके लिए टॉप नहीं रहेगा, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज टाइप का मेरे हिसाब से लग रहा है। बाकी मारुति वालों अगर अल्फ़ा प्लस नहीं निकालते तो उनका नुकसान होता, जैसे कि वो अल्फ़ा का प्राइस ओवर प्राइस हो जाता एक तरफ से देखने में, इसलिए एक नया वेरिएंट निकाले अल्फा प्लस, ताकि स्मार्टली खेल गए, मतलब दिमाग के साथ पता भी नहीं चले और पैसे भी बढ़ा दिए। मतलब 14.5 lakh एक्स शोरूम यहाँ तक प्राइसिंग है अल्फा प्लस की, वो आपकी ऑन रोड वही 16 तक चली जाएगी भाई, बहुत ही ज़्यादा। मतलब शेयर्स के जितना मार्केट के शेयर्स नहीं बढ़ते उससे ज़्यादा प्राइसिंग बढ़ेगी। तो इन सब के बारे में भी डेप्थ में बात करेंगे गाड़ी के बारे में। कल 22 तारीख है, मैं भी जाऊँगा शूट करूँगा और कल के कल वीडियो डालने की कोशिश करूँगा, 110% बना दूँगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, आज तक करता हूँ करें सो यार, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बाय।